दिखाया आक्रोश, प्रतिष्ठान रखे बंद, मौन जुलूस के साथ रैली निकाल कर दिया ज्ञापन। केसरी न्यूज के लिए आशीष पांडे की खबर। कर्नाटक में जैन मुनि की निर्मम हत्या के विरोध में भारतवर्ष के सभी जैन अनुयायियों ने आक्रोश जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौन जुलूस के साथ रैली निकालकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। जैन समाज ने अपने समस्त प्रतिष्ठान बंद रखकर मौन जुलूस के साथ रैली श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ की। भारतवर्ष की समस्त जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके पूरे देश में जगह जगह ज्ञापन दिया। उसी कड़ी में सिलवानी के जैन समाज ने भी आज सिलवानी SDOP राजेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांग थी मुकदमा फास्ट टेक कोर्ट में चलाया जावे, हत्यारों को अभिलंब फांसी हो और जैन मुनियों की ओर देश में जितने भी संत हैं सबकी सुरक्षा की जाए। व्यापार मंडल के द्वारा व्यापार बंद किया गया, इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया। कर्नाटक के जैन मुनि की जो निर्मम हत्या की गई है वो वाकई में हृदय विदारक और इतनी जघन्य घटना है कि उसमें सिर्फ जैन समाज ही नहीं सारे समाजों में बड़ा ही आक्रोश है और इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ जिन्होंने जो अपराध करा है, और भविष्य में भी ये अपराध करने की अगर सोचते हैं तो उन पर इतना कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई भी संत मुनि समाज पर कोई भी आक्रमण करने से पहले एक बार सोचे और उनको अवश्य सरकार के माध्यम से उनके आर्थिक रूप से भी क्षति करी जाए और उनको जघन्य अपराध की श्रेणी में लाकर उनको दंड दिया जाए।